मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। क्या बात है, वाह वाह। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। मुझे है प्यार दोनों से, मगर ये भी हकीकत है, लता जब लड़ खड़ाती है हया ने ही संभाला। बहुत अच्छे, क्या बात है। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है, और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। क्या बात है। इधर हिंदी सिमाई है, उधर उर्दू सिखाला है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और अब सुनिएगा, यहीं की बेटियां दोनों, यहीं पे जन्म पाया है, सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है। वाह वाह, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है, कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। क्या बात है, कभी हिंदी पे बंदिश है। अब सुनेगा आखिरी बंद, भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की, खुदा की है कसम हरगिज हया ये सह नहीं सकती। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ, क्या बात है, मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। क्या बात है, बहुत अच्छा। लता, जब आप कह रही थी तो मुझे एक शायर के दो शेर अचानक याद आ गए जी। वो पहला शेर आपकी दो भाषाओं के लिए और दूसरा शेर वेणुगोपाल भट्टड़ के लिए जी। जैसा उनका अंदाज है, वो कहते हैं कि हम ना उर्दू ना हिंदी में गजल कहते हैं जी, हम तो बस आपकी बोली में गजल कहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। जो अमीरी में गजल कहते हैं, कहते होंगे, सच्चे शायर तो फकीरी में गजल कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत। और ये फकीरी जीवन की है जो शायरों के साथ रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत सुना रही है आपने का, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप गरीबी अमीरी में भी गजल कहने की बात करें तो ये कह रही कि अगर बाजार में मिलती तो सब घर पर उठा लाते, अगर बाजार में मिलती तो सब घर पर उठा लाते। खुशी पाने का जरिया सिर्फ पैसा हो नहीं सकता। क्या बात है। और कभी दे दो बिना मांगे जरा इमदाद मुफलिस को, किसी खुददार के हाथों में कासा हो नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब मुझे ये थोड़ा बच्चों को समझाना पड़ेगा, इमदाद मतलब मदद कर दीजिए, मुफलिस मतलब गरीब, और खुददार मतलब स्वाभिमानी, और कासा यानी कि भिक्षा पात्र, यानी जो भी व्यक्ति स्वाभिमानी होगा उसके हाथ में भीख मांगने का कटोरा नहीं होगा, इसलिए गरीब की मदद जरूर कर दीजिए। क्या बात है। अब मैं एक गीत सुना रही हूँ मंच। अच्छा। जब रात में जुगनू को चमकते हुए देखूं, भंवरों को जो फूलों पे मचलते हुए देखूं, परवानों को जब शम्मा पे जलते हुए देखूं, तुझे दिल याद करे, तेरी फरियाद करे, तुझे दिल याद करे, तेरी फरियाद करे। दिन तेरे इंतजार में कट कट के गुजर जाए, रातों को याद चांदनी बन बन के बिखर जाए, देखूं अगर तुझे तो मेरी सांझ सवर जाए, तेरे करीब आके हुस्न और निखर जाए, बादल में कभी चांद को छिपते हुए देखूं, तारों को टिमटिमा के झमकते हुए देखूं, हर ओर चांदनी को छिटकते हुए देखूं, तुझे दिल याद करे, तेरी याद करे, तुझे दिल याद करे, तेरी परी याद करे। आ जाके आ भी जाके तेरी याद आ रही है, मासूम आरजू की कली मुस्कुरा रही है, खुशबू किसी के लम्स की मुझको लुभा रही है, जैसे मोहब्बतों के फिजा गीत गा रही। दोपहर में जब रेत को तपते हुए देखूं, मौजों को बेकरार उबलते हुए देखूं, चिंगारी को शोलों में बदलते हुए देखूं, तुझे दिल याद करे, तेरी फरियाद करे, तुझे दिल याद करे, तेरी फरियाद करे। जब भी ये सोचती हूँ तेरी
धरती को आसमान से मिलते हुए क्या बात है, बुलबुल को आशियां में चहकते हुए देखूं, मौसम को भी अंदाज बदलते हुए देखूं, तुझे दिल याद करे, दिल पर याद करे, तुझे दिल याद